मैं शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उनकी नाटक नौटंकी का भी मुकाबला नहीं कर सकता। सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी और जो चुनाव सरकार कराना चाह रही थी वह असंवैधानिक था, जिसके लिए नियमों को ताक पर रख शिवराज सरकार काला कानून अध्यादेश के रूप में लेकर आई। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीनों में पंचायत चुनाव संविधान के साथ हो, यदि 2 महीने चुनाव नहीं हुए तो हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का राजनीतिकरण गलत है, जांच हो रही है। के रूप में मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आपकी तो शिकायत हो गई और सही शिकायत है कि प्रेस के साथ मेरा बहुत कम समय जाता है, ये शिकायत सही नहीं है। मैं शिवराज सिंह जी से मुकाबला नहीं कर सकता, शिवराज सिंह जी से नाटक नौटंकी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो तो मनोरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो। पर आज की जो परिस्थितियां हैं ये सबके सामने है, प्रदेश का हर वर्ग परेशान है और जिस तरफ देखो अव्यवस्था, जो गवर्नेंस थी ये पूरी चौपट हो गई है। अभी हाल में बहुत सारे मुद्दे उठे, मैं उस पर जरूर कुछ ना कुछ कहूँगा, पर अभी पिछले 70-80 घंटों में जो ओलावृष्टि हुई है, ये ओलावृष्टि हुई है, जगह जगह से मुझे फोन आए। जब अभी मैं पीसीसी से यहाँ रास्ते में था, मुझे फोन आ रहे थे कि ये ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई है और जहाँ 3 दिन पहले हुई है वहाँ जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है कोई प्रबंध सर्वे का कुछ चालू भी नहीं हुआ, उसके लिए आदेश भी नहीं निकले, केवल शिवराज जी का बयान निकला। बयान और उसका क्रियान्वयन में बहुत अंतर है और यही सरकार की खूबी है कि बयान पर जीवित रहो, घोषणाओं पर जीवित रहो। मैं शुरू करना चाहता हूँ, आप ये जो प्रश्न नहीं होगी उसके बारे में मैं कहूँगा, पर आपके जो प्रश्न है मैं, आप बताइए दिवेकर जी। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।